तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज कोविड चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर एवरीबडी, लेट हिम बी ए प्रिजनर और लेट हिम बी आउटसाइडर। और हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन पे कोई केस साबित नहीं हुआ है, दैट मीन्स दे हैव बीन टेकन ऑन एज कस्टडी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एक्ट। सो अगर उनको कोविड कोरोना हो जाता है वहाँ पे और उनको उनको वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो अगर मुझे लगता है इमिजिएटली गवर्नमेंट दे शुड रिलीज देम, एंड इफ इफ समथिंग इज़ लाइक जुडिशरी का कुछ है या यू वॉन्ट टू टेक दम बैक ऑन सम इशू और समथिंग लाइक दैट, यू कैन टेक दम लेटर ऑन, मगर इमिजिएटली दे शुड बी रिलीज्ड, आई थिंक सो। तो जो अभी शाह फैसल साहब भी बंद है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जो बड़े ही नोटेड पॉलिटिशियंस हैं, तो अभी भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है कि उनको रिलीज करने के लिए। एज अ पॉलिटिशियन लीडर, आपको क्या लगता है कि उनको रिलीज करना चाहिए बिफोर द रमजान मंथ विल बी बिगन? देखिए, इसकी दो राय हैं। एक तो ये राय है कि जहाँ तक एक आम कश्मीरी की बात अगर की जाए, तो मैं आपको दिल से ये वसूख के साथ बोलता हूँ, आम कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, उनके लीडर्स के बंद होने से खुशी हुए ना, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई कि हम कोई दुखी हैं, मगर एक इंसानियत का वास्ता होता है। इंसानियत का वास्ता ये है कि कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है या रमज़ान आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। एंड आई थिंक लाइक यू नो, अगर अगर हुकूमत ने उनको लिया है तो देयर हैज़ टू बी रीज़न फॉर दैट, मगर जहाँ तक कोविड-19 की बात की जाए, उसके लिए मेरे ख्याल में दे शुड बी रिलीज एज सुन एज पॉसिबल।